गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हैप्पी टीचर्स डे मैम, आई मिस यू अ लॉट। लुक, आई मेड यू अ ग्रीटिंग कार्ड। विशिंग यू जॉय एंड हैप्पीनेस। यू आर एन अमेजिंग टीचर एंड यू ओनली डिजर्व द बेस्ट। थैंक यू मैम। हैप्पी टीचर्स डे निकिता टीचर, यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू टॉट अस वेरी प्रॉपरली, वी आर लाइक यू, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ निकिता और निकिज हैप्पी वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 5th of September और आज है टीचर्स डे। आज के दिन पूरे इंडिया में हम लोग जो है टीचर्स डे मनाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं सब उन टीचर्स को, मेरे उन सारे सभी प्रोफेसर्स को, मेंटर्स को, गाइड्स को तहे दिल से हार्टिएस्ट हैप्पी 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 टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे, ऑल माय डियर गुरुज, माय टीचर्स, माय प्रोफेसर्स, माय मेंटर्स एंड एवरीवन विथ ऑल माय फेलो टीचर्स एज वेल। हम सभी लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि जून होने के बाद यू नो बच्चों को जो है समर की छुट्टियां लगती है, मतलब मई जून तक चलती है, उसके बाद से नए से स्कूल स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद जुलाई से तो काफी सारे फेस्टिवल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग के इंडिया में, राइट। तो उसके बाद जो है फाइनली सेप्टेम्बर मंथ में ऑन 5th of September हम लोग का एक स्पेशल डे भी आता है और वो है टीचर्स डे। तो इट्स अ गुड थिंग कि हम लोगों के लिए एक कोई तो ऐसे दिन मनाया जाता है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक बाय प्रोफेशन टीचर हूं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, आई हैव बीन अ काउंसलर एज वेल एंड ऑल्सो आई हैव डन अ कोर्स इन अर्ली चाइल्डहुड साइकोलॉजी। तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ द जॉब ऑफ द टीचर इट। बट उसके पहले, सारे सभी बातें करने से पहले टीचर के बारे में हम लोग एक बात जान लेते हैं, एक स्टोरी जान लेते हैं कि हम लोग के इंडिया में 5th of September को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो जैसे कि हम सबको पता है, हम लोग के जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक टाइम पे, बहुत पहले सालों पहले, हम लोग के सेकेंड प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया के, वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली। सो आइए सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी के बारे में। डॉक्टर कृष्णन का जो बर्थडे था वो था 5th of September 1888। सो डॉक्टर सर्वपल्ली, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ स्टेट्समैन। विथ हिज एजुकेशन एंड नॉलेज इन फिलोसॉफी ही हैज गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, इंक्लूडिंग भारत रत्न अवार्ड। Dr. Sarvepalli ji was the first Indian to hold a professional chair in Oxford University. Dr. Sarvepalli ji ka bas ek hi kehna tha ki mere birthday pe jo hai, mere birthday pe agar aap chahte ho to ek hi cheez karo. I don't want name, I don't want fame or anything. If you really want to celebrate my day, my birthday, so celebrate with all the teachers. Make it as a teacher day. Honor the teachers all over the world, all over in the India, where you know they give their selfless service to educate our children. His beliefs were that teachers should be the best minds in the country. Dr. Sarvepalli ji ka kehna tha ki instead of celebrating my birthday like this, it will be my privilege and it will be honor that you celebrate this day as a teacher's day. And as a tribute to all our teachers for providing all of us with the good education, with good morals, with good characters, we celebrate this day as a teacher's day. तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द टीचर्स डे कि 5th September को ही जो है हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, वो कैसे आया, क्यों मनाया जाता है एंड एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टीचर्स के बारे में। सो टीचर्स कौन होते हैं, टीचर्स क्या है? So teacher is a mentor, teacher is a guide, teacher is our inspiration, teacher is our motivation. Parents बच्चों को जन्म देते हैं, but we teachers, we mold the children. हम teachers सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, but we give them love and care to grow and nurture their minds so that they can stand in the world. टीचर्स वाला जो दिन होता है वो हम लोग टीचर्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्यादा जॉयफुल और एक्साइटेड वाला दिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन जो है स्टूडेंट्स के लिए भी हम टीचर्स बहुत खास, बहुत स्पेशल होते हैं। फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वी टीचर्स बिकम काइंड ऑफ अ रोल मॉडल फॉर देम।
टीचर्स डे इतना अच्छा और इतना स्पेशल डे होता है कि इस दिन जो है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कोई भी एज के ले लो, एट एनी लेवल, मे बी दे आर द कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल चिल्ड्रन और किंडरगार्टन चिल्ड्रन, सबको ये जो फीलिंग होती है एक टीचर्स डे वाली, और एक जो बॉन्ड होता है बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ टीचर, और अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, और अ प्रोफेसर एंड अ स्टूडेंट, इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल बॉन्ड. क्योंकि उस दिन जो है हमारे बच्चों को हमसे उनकी फीलिंग्स शेयर करने का मौका मिलता है. जो भी वो चाहते हैं, जो भी उन्हें लगता है अपने टीचर के बारे में, वो या तो ग्रीटिंग कार्ड्स के द्वारा बताते हैं, या तो फिर वो स्पीच देते हैं, एंड दैट डे इज लाइक यू नो सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली. उस दिन जो है सारे सभी स्टूडेंट्स और बच्चे हम टीचर्स लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाते हैं. मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ, तो मेरे जो है वो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं, एंड ट्रस्ट मी देयर लव इज लाइक इनसेन, मतलब एकदम इनोसेंट, बहुत ही प्योर लव. हम टीचर्स हमारे बच्चों को सिर्फ इतना ही नहीं सिखाते कि मतलब हाँ स्कूल जाना है तो स्कूल में बस जो पढ़ाई की चीजें है उतना ही सिखा दो और फिर हो गया. नहीं, एक टीचर का काम और जॉब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो बस स्कूल जाए, जो भी पढ़ाई वाली चीजें हैं बुक्स ओपन करे, अपना सब्जेक्ट पढ़ाए और काम हो गया. ऐसा नहीं होता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जो है वो टीचर एक काम करती है. कैसे? क्योंकि हम सिर्फ जो किताबी नॉलेज है वही नहीं देते, हम हमारे बच्चों को मॉरल्स भी सिखाते हैं, उन्हें कैरेक्टर बिल्ड करना सिखाते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं. बुकिश नॉलेज के अलावा भी हम हमारे बच्चों को बहुत कुछ देते हैं. वी नीड टू बी वेरी वेरी गुड एंड वेरी पेशेंट विथ ऑल आर चिल्ड्रन, नो मैटर वॉट एवर देयर एजेस, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे मिडिल ग्रुप के बच्चे हो, या फिर हाई स्कूल के बच्चे हो, या फिर इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, सबका अपना एक लेवल अलग होता है, एंड वी नीड टू डील विद देम वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली. क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक बच्चे का जो माइंड होता है राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2 ईयर्स टिल द लास्ट एज, वो कहीं पे भी जाए, किसी से भी कुछ भी सीखे, या कोई भी उन्हें कुछ बताता है, स्पेशली उनके टीचर्स, उनके मेंटर्स, उनके प्रोफेसर्स, वो चीजें उनके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती है. तो हम टीचर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा एक एक स्टूडेंट है, तो हम उन्हें जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें जो भी नॉलेज दे रहे हैं, हम उनसे कुछ भी, कोई भी बात, अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, उनके माइंड में हम जो है वो क्या नॉलेज डाल रहे हैं. बिकॉज अगर वो स्टूडेंट आपको रोल मॉडल मानता है, अगर आपके जैसे वो भी बड़े होकर एक प्रोफेसर टीचर बनना चाहता है, तो आपके वर्ड्स, आपका नॉलेज, आपका शेयरिंग उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. हम सारे सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं, हम लोगों के लिए सारे सभी बच्चे एक जैसे होते हैं. कोई बच्चा काफी नॉटी होता है, कोई काफी टॉकेटिव होता है, कोई काफी मस्तीखोर होता है, कोई काफी आपको परेशान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई काफी डिसिप्लिन्ड होता है, काफी आपकी बात मानता है. सारे सभी तरह के बच्चे होते हैं, बट ऑल आर आर चिल्ड्रन, और हम सबको इक्वली ही मानते हैं. वी ट्राई टू मेक देम अ गुड ह्यूमन बींग. लास्ट में बस मैं इतना ही कहूंगी, फॉर माई ऑल द टीचर्स, माई गुरुज, माई मेंटर्स, माई प्रोफेसर्स, दैट आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल. यू हैव बीन रियली ऑफ अ ग्रेट सपोर्ट, यू हैव गाइडेड मी वेरी नाइसली एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ. I miss all my old children, my new children, each and everybody. So thank you children for all your love and support. तो चलिए आइए अब देखते हैं छोटे से थोड़े से मेरे पुराने शुराने videos with my children, और कुछ कुछ videos जो parents ने अपने children के through बना के मुझे भेजे हैं, तो वो भी मैं आपको बीच में दिखा देती हूँ. Happy Teachers Day, किताब टीचर. हाय निकिता मैम, it's me श्लोका. I wanted to tell you something. Thank you, Nikita ma'am, for teaching me
when I was new in Pentecost and introducing me to the whole class. I really miss you and happy Teacher's Day. I love you. Hello ma'am, happy teacher day to you. I'm Shaurya Pala. You're teaching me in Tender Step Nursery. I like your teaching. You play with us, you sing with us poem, and I'm missing you. I'm now in 3 standard now. I learned from you lot things. Bye ma'am. Thank you ma'am.